जी बिल्कुल, कोई पैसा नहीं है। हमारे सरपंच साहब ने एक एप्लीकेशन लिख के दी, हम सीधे नर्सरी के अंदर गए और ले आए। एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय सभी इन पौधों की तरफ ध्यान दे। अब मौसम है, कोई भी पौधा लगाएंगे तो वो 20 पौधे लगाएंगे, उसमें से अगर 5 पौधे लगेंगे तो भी कुछ तो फायदा होगा। और प्रकृति पूरी युवा शक्ति का इसमें पूरा सहयोग है, और मैं तो यही कहूंगा आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहें। मैं इनके साथ हूँ तन मन। एक युवा एक एक पौधा लगाए और देश को आगे बढ़ाए। भाई आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि पौधा लगा दिया, फोटो खिंचवा दी, कितने भी दिखा दी, सोशल मीडिया पे दिखा दी, उसके बाद में कोई गया को नहीं। मैंने 1 साल पहले इसी वाटर वर्क्स के अंदर पौधे लगाए थे, आपको दिखाता हूँ मैं, जो बिल्कुल सुरक्षित फूल की तरह खिले हुए हैं। बड़का पौधा है, सिरसम है, बिल्कुल अपने साइड में। जन जन से मेरी यही पुकार, और पौधे लगाओ कई हजार। ये पंक्तियां सुनने में जरूर अच्छी लगती है, लेकिन इन पंक्तियों पर अमल कितने लोग कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापत और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करा कंफ्यूज, आज शिवानी खंड के और गैंडावास गांव में पहुंचे हैं। भाई गैंडावास गांव के अंदर युवा शक्ति टीम के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। भाई बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के अंदर पौधे लगाने का जो कार्य है बहुत जोरों शोर से हो रहा है, क्योंकि आप देखा जा रहा है कि लोग घरों में एसी लगवाते हैं जो कहीं की पर्यावरण को दूषित करने का काम करते हैं, और उस पर्यावरण को बचाने के लिए जो युवा शक्ति मंडल की टीम है ये जी और जान से लगी हुई है, क्योंकि काफी समय से देखा जा रहा है कि ये बरसात का मौसम चल रहा है और अब जो पौधे लग जाते हैं वो सक्षम फूल भी होते हैं। भाई किस किस प्रकार के पौधे लगा रहे, सारी बातचीत इनसे करांगे। आप इस वीडियो को जनहित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि युवाओं में एक सुंदर संदेश जाए, और जो पौधा लगाने का जो उचित समय है उस समय के अंदर हम पौधे लगाएं तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को बचाने का एक सुंदर संदेश भी ये दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके घर में उड़ा ले। तो आइए, सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद है, सरपंच सोभिशीलन मौजूद है, क्योंकि इनके नेतृत्व में जो है पूरी टीम लगी हुई है और जी जान लगा करके। भी आज का समय देखा जा रहा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी का समय भी नहीं है, लेकिन बड़ा कीमती समय निकाल करके युवा शक्ति जो है वो पौधे लगाना काम करे। तो आइए पहले भाई साहब से बात कर रहे हैं, आशीष से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जिस प्रकार से आप पौधे लगाने का कार्य जोर शोर से कर रहे हो, सूत्रों के वाले से हमें भी जानकारी मिली है, कितने क्या पौधे आप लगा पाए और किस किस चीज के पौधे कहाँ कहाँ लगा रहे हो आप? भाई साहब लमसम हमने 700 और 800 के बीच में टोटल पौधे ले आए, हमारी पूरी टीम। उसके बाद में हमने पशु हॉस्पिटल में पौधे लगाए, हरिजन चौपाल में लगाए, मुसान भूमि में लगाए, या वाटर वर्क्स में लगाए, और जहाँ पर हमारा गाँव का मेन अड्डा है वहाँ पर त्रिवेणी लगाई हमने। और जो पौधे थे, नीम था, अनार, अमरूद, बड़, पिपल, यही 5-6 बकान, यही 5-6 टाइप के पौधे थे। इस प्रकार से आप पौधा लगाने का कार्य कर रहे हो, आज के समय का देखते हो भागदौड़ बड़ी जिंदगी, किसी के पास समय भी नहीं है, लेकिन आप अपना कीमती समय निकाल कर, जुनून कहाँ से जगह? ये यहाँ से जगह भाई साहब। आप एक बार एक चीज देखो उठा के, पीछे हमने अब की बार 50% तापमान टप गया था, अगर हम ऐसे ही पौधे काटते रहे तो इससे अगली बार 60 भी हो जाएगा। तो हमने एक चीज देखी, भी अब बारिश होगी, बढ़िया युवा सारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति टीम थी, और बढ़िया अभी ये मौका है, और सारे भयान जोशों से हमारा पर्यावरण बचा रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने का काम। इस प्रकार से आपने सार्वजनिक स्थान में पौधे लगाए हैं, बात करें किसी घर में पौधे, भाई कोई देखभाल कर लेता उनको दे देते हो क्या? हाँ जी, कम से कम 250 से 300 पौधे बांटे हैं जी भाई साहब। निःशुल्क? हाँ जी बिल्कुल, कोई पैसा नहीं है। हमारे सरपंच साहब ने एक एप्लीकेशन लिख के दी, हम सीधे नर्सरी के अंदर गए और ले आए। बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छा संदेश भी है भैया को, सरपंच साहब इनसे बातें। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं एनपीएस न्यूज के सभी दर्शकों को ग्राम पंचायत गेंडावास की तरफ से राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच साहब। देखा जा रहा है कि आपके नेतृत्व में आपकी जो टीम है वो पूरी जोश और ऊर्जा के साथ लगी हुई है, तो आप भी एक मतलब युवा शक्ति हो, किस प्रकार से आप ये हैंडल कर पाए सब कुछ, क्योंकि युवाओं को जगाना बहुत मुश्किल कार्य है आज के समय को देखते हुए, आप किस प्रकार हैंडल कर पाए? सर ये ऐसा है कि हमने नर्सरी से लेटर पैड पे लिख के मैं ये पौधा लेके आया हूँ, नर्सरी की तरफ से हमें निःशुल्क मिला है, और इसमें गाड़ी की व्यवस्था मेरी तरफ से की गई है, और मेरी पूरी युवा टीम है, जैसे भाई आशीष सिवाच है, बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं ये, और हमारे गांव के लिए भी बहुत अच्छी बात है, ऐसे ऐसे नेता जो उभर के आ रहे हैं, जो कि सामाजिक कार्यों में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय सभी इन पौधों की तरफ ध्यान दे। अब मौसम है, कोई भी पौधा लगाएंगे तो वो 20 पौधे लगाएंगे, उसमें से अगर 5 पौधे लगेंगे तो भी कुछ तो फायदा होगा प्रकृति को। अब पीछे देख लो आप, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था, सभी हमने खूब हाहाकार मचाया, काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहा तो और भी विनाश होने वाला है, तो इसलिए अच्छा समय है, और मेरी तो सभी से यही प्रार्थना है कि
पौधे लगाने के साथ साथ पौधों की अपने बच्चों की तरह देखभाल भी करो। तो सब बात करूंगा, देखो पौधों की, पौध कई लोग जो पौधे लगा देते हैं, लगा करके मात्र फोटो खिंचवा लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और फिर वहीं तक सीमित रह जाते हैं, तो उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। पौधे कुछ दिन बाद में देखे जाता है कि चले जाते हैं, तो कहीं की उसकी देखभाल करनी जरूरी है। देखभाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है सर, ऐसे तो पौधा लगा के अगर हम भूल जाएंगे तो वो कुछ दिन में हमको नहीं मिलेगा। मेरी यही कोशिश है कि मेरी पूरी युवा शक्ति टीम के द्वारा हम समय समय पर इनमें पानी भी डालेंगे और पूरी देखभाल करेंगे। हमने अब करीब 700 के करीब पौधे लेके आए थे, हम 700-800 के करीब, जिसमें से 450 के करीब पौधे हमने पौधारोपण किया है, जिसमें शमशान घाट हो गया, एसी चौपाल होगी, बीसी चौपाल होगी और पशु हॉस्पिटल हो गया, और ये हमारे गांव का वाटर वर्क्स, इनकी हम पूरी देखभाल करेंगे। हमारी इस कोशिश में अगर 100 भी पौधे कामयाब हो गए तो हम अपने आप को बहुत प्रगतिशील मानेंगे और इन पूरी युवा शक्ति का इसमें पूरा सहयोग है। और मैं तो यही कहूंगा आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहें, मैं इनके साथ हूं तन मन धन से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ गेंडावास गांव के सरपंच शोभित चिलन जी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने विचार रखे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और भाई जो पौधा लगाना है, कई लोग जो ढोंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कृपया फोटो के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में ये ढोंग ना करें। पौधे लगाएं तो उनकी समय समय पर देखभाल भी जरूर करें, तब तक वो पौधा अपने आप में मतलब कामयाब ना हो जाए, तब तक उस पौधे की देखभाल करना जरूरी है। तो हाँ बिल्कुल जी, बातचीत करेंगे आपसे और भी, सैनी साहब जी इनसे बातचीत करेंगे, भी लगे हुए हैं। सैनी साहब क्या कहना चाहोगे, जिस प्रकार युवा शक्ति लगी हुई है, आप भी सहयोग कर रहे हो? युवा शक्ति का जो है जी, युवा एक प्रत्येक युवा एक एक पौधा लगाए और देश को आगे बढ़ाए। बहुत सुंदर संदेश है भाई। हाँ जी भाई साहब क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ भाई, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि पौधा लगा दिया, फोटो खिंचवा दी, कितने भी दिखा दी, सोशल मीडिया पे दिखा दी, उसके बाद में कोई गया को नहीं। मैंने एक साल पहले इसी वाटर वर्क्स के अंदर पौधे लगाए थे, आपको दिखाता हूँ मैं, जो बिल्कुल सुरक्षित फूल की तरह खिले हुए हैं। बड़का पौधा है, सिरसम है, बिल्कुल अपने साइड में है और इतना हो चुका है। हम अपने हाथ से कोई पौधा लगाते हैं और जब वो सक्षम फूल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, खुशी भी होती है, बहुत खुशी होती है। उसका जन्मदिन मनाएंगे भाई साहब, 5-10 दिन में उसका जन्मदिन आएगा, बिल्कुल धूमधाम से मनाएंगे। हमने इतना बढ़िया काम किया और ऐसी ये की ये टीम थी हमारी, पिछली साल भी यही टीम थी और लगाया है और सुरक्षित भी है और उसकी देखभाल भी करी है। तो पिछली साल भी आपकी यही टीम थी, आपने बताया जिस प्रकार से जोश पिछली साल भी था, वो जोश अब तक कायम है, जुनून कम नहीं हुआ? कम नहीं, ज्यादा होगा। पिछली साल 400-500 लगाए थे, अब की बार 700-800 लगाए हैं। इसकी अगली बार ऐसे रहे, सुरक्षित रहे, भगवान की दया रही, तो हम 1000 पौधा लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हो भाई किस प्रकार से युवा शक्ति है और छोटे छोटे बच्चे भी, आप देख सकते हो बच्चे भी सहयोग कर रहे भाई साहब। हाँ, ये बच्चों ने सबसे ज्यादा काम किया है भाई, सभी बच्चों ने हमारा जितना सहयोग है सबसे ज्यादा। बिल्कुल भाई, जो ये युवा शक्ति जो टीम है इनकी, साथ साथ में जो हमारे आने वाला विषय है, हमारे जो बच्चे उन्हें भी एक जोश पैदा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी युवा शक्ति है इन बच्चों में एक जोश पैदा करना, आने वाले समय में ये बच्चे भी एक अच्छी सीख लेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। और ये आपको भी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना चाहिए, वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज पर्यावरण हमारा जो वो दूषित होता हुआ जा रहा है, हर जगह देखो ये कहीं धुएं का प्रकोप है, पर्यावरण जो वो दूषित होता हुआ जा रहा है, जो उसी को बचाने की घोर आवश्यकता है। तो आप भी इस प्रकार से फूलदार पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, वो लगा करके पर्यावरण बचाने में अपना सहयोग कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। तो क्या की देर, आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलते फिर एनपीसी न्यूज के लिए। गेंडावास गांव से नरसिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट।